हेलो एंड वेलकम यह वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी की थ्योरम 1.3 पर बेस्ड है यह थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम है प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल थ्योरम 1.3 से पहले हमें थ्योरम 1.2 को समझना होगा इसका प्रूफ नहीं करना है इसकी स्टेटमेंट काफ़ी है आपको यह स्टेटमेंट रीजनिंग में काम आएगी लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p divides a स्क्वायर then p divides a, where a इज ए पॉजिटिव इंटीजर अगर p कोई प्राइम नंबर है और p किसी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा जबकि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 36, 36 को 3 डिवाइड करता है अगर 3 36 को डिवाइड करता है जो कि सिक्स स्क्वायर है इसे आप पी समझिए यहाँ पर पी क्या है सिक्स है तो थ्री पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आप देखिए थ्री सिक्स को भी डिवाइड करेगा तो आप यहां से देख सकते हैं कि थ्री पी को भी डिवाइड करता है तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पी प्राइम नंबर ये प्राइम होना चाहिए अगर कोई प्राइम नंबर कोई पॉजिटिव इंटीजर ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी करेगा ए को भी डिवाइड करेगा तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई कि इफ प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन देन p डिवाइड्स ए ऑल्सो वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर अब देखते हैं थ्योरम 1.3 और थेरम 1.2 कैसे यूज होती है 1.3 में एनसीआरडी के नए एडिशन में थेम 1.3 दे रखी है प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल अब यहां पर हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट टू इरेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट टू की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है लेकिन फिर भी हमसे कहा गया कि root 2 है कि रूट टू इेशनल है यह प्रूव करें इस तरह के प्रूफ के लिए मैथमेटिक्स के अंदर एक मैथड है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मैथड कॉन्ट्रेडिक्शन मैथड में हम इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं यानी कि हम मान लेंगे कि रूट टू रैशन नंबर है और हम आगे प्रोसीड करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और हम फिर हम कहेंगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और जो हमने माना था वो रॉन्ग है तो देखें इसे कैसे करना है तो इसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले बताएंगे कि वी विल डू दिस प्रूफ बाय कॉन्ट्रीडिक्शन मैथड हम इस प्रूफ को कॉन्ट्रीडिक्शन मैथड से करने वाले हैं इफ पॉसिबल लेट इज एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट को ट्रू मान लेंगे तो हम लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट इज एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल अगर रूट टू रेशन नंबर है तो आपको याद होगा कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं जर्स एन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम कहते हैं कि अगर रूट टू रैशनल है तो रूट टू ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है जबकि ए और बी इंटीजर्स हैं डिनिनेटर भी जीरो नहीं है लेकिन यहां हम एक और चीज ऐड करेंगे हम कहेंगे कि ए बाई बी जो है ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है यानी ए और बी को प्राइम नंबर हैं को प्राइम का मतलब होता है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ये फ्रैक्शन जो है अब लोइ फॉर्म में है तो यहां पर एक लाइन और जोड़ देंगे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर क्योंकि कंट्रडिक्शन इसी पर आनी है आप इन लाइनों को जरूर लिखेंगे तो हमें स्टार्ट करना है वी विल डू दिस प्रूव बाय कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड इफ पॉसिबल लेट रैशनल अगर रूट टू रैशनल है तो वो ए फॉर्म में लिखा जा सकता है जबकि ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं और बी जीरो भी नहीं है एक और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिखना है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स इसका मतलब हुआ कि ये फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म है इसका मतलब है ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है आगे के स्टेप्स हैं कि आप बी को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे यानी कि रूट टू बी इज इक्वल्स टू ए अब इसके बाद हम स्क्वा बोथ द साइड्स कर देंगे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट टू की भी स्क्वायरिंग हो जाएगी आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका स्क्वायर टू होता है तो यहां पर टू आ जाएगा यहां बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये जो इक्वेशन बन के आई है इसका नाम हम वन रखेंगे यह रखना जरूरी है क्योंकि बाद में हम इसमें वैल्यू डालने वाले हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड टू बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर इसका मतलब हो गया कि ए स्क्वायर जो है वो टू बी स्क्र के इक्वल है आप अच्छी तरह से जानते हैं जैसे थर्टी सिक्स है हम थर्टी सिक्स को अगर ऐसे लिखते हैं टू टाइम्स एटीन तो टू भी थर्टी सिक्स को डिवाइड करता है और एटीन भी थर्टी सिक्स को डिवाइड करता है इसी तरह से यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा गया है टू बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टू का मल्टीपल है और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी यहां से हमारे पास आया कि टू डिवाइड ए स्क्वायर पर हमने जो थ्योरम 1.2 की थी अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा यहां पर आप थ्योरम का नंबर नहीं लिख सकते आपको थ्योरम की स्टेटमेंट देनी होगी बिकॉज इफ प्राइम नंबर पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए इसी वजह से कि टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा अगर टू डिवाइड करता है ए को तो ए मल्टीपल हो गया टू का यानी हम लिख सकते हैं ए इज टू टाइम्स सी वेयर सी इंटीजर ए जो है वो टू टाइम्स सी बन गया क्योंकि टू ए को डिवाइड करता है तो ए कैन बी रिटर्न एज टू टाइम सी वेयर सी इज सम इंटीजर अब हम क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे ए की वैल्यू को यहां पर रख देंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू टू सी इन फर्स्ट यहां पर हम ए की वैल्यू रख देंगे दैट इंप्लाइज टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी होल स्क्वायर हमने एक की जगह टू सी लिख दिया है अब ये बनेगा टू बी स्क्र इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर अगर हम दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर अब हमारे पास आ चुका है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर इसका मतलब बी स्क्वायर भी टू का मल्टीपल है यानी टू डिवाइड्स बी स्क्वायर पर उसी थेरम की वजह से टू बी को भी डिवाइड करेगा और यहाँ भी हमें रीजन देना पड़ेगा तो इस तरह से यहाँ भी हमें सेम रीजन देना पड़ा कि अगर कोई प्राइम नंबर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा टू अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू बी को भी डिवाइड करेगा अब यहाँ हमारे पास था टू डिवाइड्स ए आल्सो इस स्टेटमेंट को हम टू का नाम देते हैं तो हमारे पास था टू डिवाइड्स ए आल्सो और अगर हम इस स्टेटमेंट को थ्री का नाम देते हैं इसका मतलब हुआ फ्रॉम टू एंड थ्री टू डिवाइड्स एंड बी बोथ अगर टू ए और बी दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू एज ए कॉमन फैक्टर ए और बी का एक कॉमन फैक्टर टू जरूर है दिस कॉन्ट्रेडिक्ट फैक्ट दैट ए एन बी आर को प्राइम लेकिन हमने शुरू में ही कहा था कि ए एन बी को प्राइम नंबर है और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पर जब हम मान के चले कि रूट टू रैशनल नंबर है तो हमने देखा कि ए एन बी का कॉमन फैक्टर निकलाया टू जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए और बी तो को प्राइम नंबर है तो यानी हमने जो भी माना है वो रॉन्ग है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना है वो रॉन्ग है हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई इसलिए रूट टू इेशनल नंबर है अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर सीरियसली टेंथ क्लास की पढ़ाई होगी और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा और पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स के यहाँ पर मिलेंगे पढ़ाने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस टॉपिक पर पूछे जाने वाला हर तरह का प्रॉब्लम आप टैकल कर सकें Thanks for watching.